हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडाइजेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, आप सबों को जैसे कि पता है कि पिछले साल बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस के छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे रहा था। यानी वैसे बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके वजह से प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे या प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे भी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में MSc और PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो क्या चेंजेस है, उसके बारे में हम जानकारी करें। ताकि आप सभी को पता है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ICR से अप्रूव्ड कॉलेज है, इसमें हर साल ICR से अप्रूव्ड बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने क्राइटेरिया पे चेंज किया है। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था भी जो उनका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू होगा वो 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक एडमिशन है के लिए फॉर्म फिलअप डाल सकते हैं। उसके बाद आप एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं 1 से 5 सितंबर के बीच में, जो डेट टेंटेटिव है। और एग्ज़ामिनेशन का डेट भी 5 सितंबर रखा गया है, जो कि टेंटेटिव है। तो हम बात कर रहे थे, क्यों बता रहे थे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी आप सबौर के यूनिवर्सिटी पे पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट पास द बैचलर डिग्री फ्रॉम ICR एक्रेडिटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे बताया गया है जो UGC से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी होंगे वो भी बच्चे इस चीज़ में अपीयर हो सकते हैं। तो आप सभी वो बच्चे जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका पढ़ाई इस साल कंप्लीट हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से या प्राइवेट कॉलेज से, वो अब इस साल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के PG और PhD के एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।